हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ गेहूं के आटे और उबले आलू से बना बहुत ही टेस्टी यम्मी क्विक एंड ईजी सा नाश्ता, जिसे बनाना तो काफ़ी आसान है ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी तैयार होता है। आपके घर में बड़े हो या बूढ़े, सभी उंगलियाँ चाट चाट कर खाने वाले हैं इस नाश्ते को। तो अगर आज की कम तेल में बनी हुई हेल्दी नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले एक बोल ले लेंगे, बोल में डाल देंगे एक कटोरी गेहूं का आटा। अब इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर। इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए लम्स फ्री बैटर बना लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बैटर मैंने तैयार कर लिया है, कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी। इसे साइड में रख देते हैं। अब एक दूसरा बोल लेंगे, बोल में दो उबले हुए आलू इस तरह से तोड़ लेंगे। थोड़े थोड़े खड़े पीसेस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग रखें। बहुत ही क्विक एंड ईजी से स्टफिंग यहाँ पे रेडी कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं है। तो अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, क्योंकि बहुत ही जल्दी में होते हैं मॉर्निंग टाइम में हम, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की हमें टाइम नहीं होती है, तो इसे हम इजीली बना सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच ही भुने जीरे का पाउडर। साथ ही ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच टमाटो केचप, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और स्वाद अनुसार नमक, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फटाफट से यहाँ पे टेस्टी सी स्टफिंग तैयार हो चुकी है हमारी। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। तो यहाँ पे एक तवे को मैंने मीडियम गर्म करने के बाद हल्का सा तेल से ग्रीस कर लिया है। आप इस रेसिपी को लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। अब जो हमने बैटर तैयार किया था उसके दो बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे फैलाते हुए रोटी की तरह। इसे डालने के बाद मीडियम फ्लेम पे पका लेना है हमें एक मिनट तक। मैं यहाँ पे बिना ढके से पकाऊंगी, आप ढक कर भी बना सकते हैं। तो देखिए, हल्का सा ऊपर से ये ड्राई सा हो गया है, सेट हो गया है। तब हम ऊपर से हल्का सा तेल अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इसे पलट लेंगे। देखिए कितने बढ़िया सा सिक चुका है नीचे के साइड से। दूसरे साइड से भी हल्का सा सेक लेते हैं। जब ये दूसरे साइड से भी हल्का सा सिक जाए तब हम इसे फिर से पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद इसके बीचों बीच स्टफिंग रख देंगे आलू वाली, इसे हल्का सा फैला देंगे। अब इसके ऊपर एक जाएगा ऐसा इंग्रेडिएंट जिसे बच्चे हो या बूढ़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं, तो वो है चीज़। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लिया है, इसे डाल देंगे। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में चीज़ ऐड कर दो तो बच्चे बहुत जल्दी से फिनिश कर देते हैं उसे, बहुत अट्रैक्ट होते हैं बच्चे इससे। बट अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से। पहले दोनों साइड से फोल्ड करेंगे, उसके बाद एक साइड से और कर लेंगे, मतलब इसे ट्रायंगल में हम फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, मतलब चारों तरफ से बंद कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा चीज़ दिखाई देता है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो हल्का सा नीचे से भी सिक गया है ये, मीडियम फ्लेम पर ये सारा प्रोसेस हम कर रहे थे। अब इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये नाश्ता तैयार हो चुका है झटपट से बंद करके। दूसरा वाला भी ऐसे ही हम बना लेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा ही आपके लिए टेस्टी, यूनिक, नई, हेल्दी सी रेसिपी लो बजट में लेकर के आती रहती हूँ, जिसे आप काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तैयार हो चुका है हमारा गेहूं के आटे और उबले आलू का सिंपल एंड इजी टेस्टी हेल्दी नाश्ता, जो बहुत ही सिंपल चीज़ों से आसानी से बन गया है। आप इसे रोज़ बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।